बहुत बहुत शुक्रिया इतिहास स्वदेश पे। बात तो ये हो रही है कि साहब रेट हाइक तो छोड़िए, वो तो मामूली, वो तो बात प्रेस्टिन है। अब मुद्दा आता है कि पावेल साहब रुख क्या लेंगे, आप किस कैंप में, यहां से पेस ऑफ हाइक्स को मॉडरेट करने का रुख लेंगे नवेश रुख, या आपको लगता है वो कर्राई पे अपने डटे रहेंगे कि यहां से भी विजिबिलिटी नहीं है कोई स्लो डाउन की, अभी 75 हाइक वाले ही रेट्स चलेंगे, रेट हाइक्स। अजय देखिए, मुझे लगता है कि वो एक बार वो गलती कर चुके हैं थोड़ा अहेड ऑफ द कर्व जाके, और वो दिस इज बिफोर जैक्सन होल जब मार्केट एक बार रन अवे कर चुका था, और फिर उनको वो वापस एक्सपेक्टेशंस पुल बैक करने पड़े थे कि देखिए अभी कुछ नंबर्स में फर्क नहीं पड़ा। मुझे नहीं लगता वो कोई मिस्टेक करेंगे। एक और क्रिटिकल पॉइंट है अजय कि इलेक्शंस हैं अभी एक हफ्ते में, तो अभी वो कल कोई भी जिसको बोलते हैं कि अपना शो ऑफ हैंड नहीं करने वाले, वो अपने पत्ते नहीं खोलेंगे। 75 बेसिस पॉइंट करके, डेटा ड्रिवन करके, कल की कमेंट्री उनकी बहुत ही ज्यादा सधी हुई रहेगी, क्योंकि स्पेशली इलेक्शन से पहले है, वो किसी भी किस्म का मार्केट को इंडिकेशन नहीं देना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें कल कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं मिलेगा, और मार्केट को वेट करना पड़ेगा दिसंबर की मीटिंग के लिए के आउटकम क्या आता है। प्लस सेकंड पॉइंट अगर आप देखें तो डेटा भी कोई सपोर्टिव तो नहीं है, तो कोर पीसी और सीपीआई का कोर इन्फ्लेशन तो उतना ही बना हुआ है, तो अभी उस पर कुछ डिसीजन तो नहीं लिया जा सकता। तो कल का मीटिंग बहुत ल्यूकवार्म रहेगा अजय, और अनएक्सपेक्टेड लाइंस वो कुछ भी सिग्नल नहीं देंगे मुझे लगता है। ओके ग्रेट। अनुराग जाने से पहले एक बात बता के जाएं, आपका जो कंफर्ट लेवल आपने बनाया था S&P पे 3300 का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या 3000 एक बार रिविजिट कराएं, आपको कितनी प्रोबेबिलिटी लगती है, क्योंकि वहां से बहुत ज्यादा गिरा नहीं। मुझे याद है आपने, आप कंफर्ट, आप बाजार में पॉजिटिव होना शुरू ही हुए थे, थोड़ा सा और गया और वहां से रिबाउंड आ गया बहुत तगड़ा। आपको लगता है वो रिविजिट होगा, या आपको जिस हिसाब से डेटा चेंज हो रहा है और माहौल चेंज हो रहा है, एक बार एंट्री करनी पड़ेगी बाजार में? करेक्ट। तो अब तो अजय पोजीशन वही, मैंने 50% इन हूं, लेकिन अब देखिए इतना तेज भी नहीं मार्केट को भागना था, और अभी ये हर मार्केट की सिचुएशन हो गई, क्योंकि इतना स्मार्ट मनी चर्न होता है कि मार्केट बड़ा जल्दी पोजीशन बना लेता है। आई थिंक वो अच्छा तब रहता अगर हम बिटवीन 3400 एंड 3600 के बीच में टिके रहते कुछ समय तक, तो एक करेक्टिव फेज में स्टॉक्स में। और आपने देखा पिछली बार हमने एक ही बात पे छोड़ा था, जब हमारा लास्ट डिस्कशन हुआ लास्ट वीक, मैंने कहा था सिर्फ एक बिग टेक के 8 कंपनीज में करेक्शन चाहिए, बाकी सारा करेक्ट हो चुका है। अब पिछले हफ्ते बिग टेक की भी सफाई तकरीबन हो गई है, तो वो अच्छी बात है, लेकिन डाउ को संभाला हुआ है, फिर दूसरी कंपनीज ने आके कुछ संभाल लिया, लेकिन बड़ा जल्दी आगे भाग गए, फिर हम 3850 पे आ गए। तो इस पर मुझे लग रहा है अजय कि मार्केट जस्ट एक ईयर एंड रैली लेना चाहता है, लेकिन फिर हमें वापस घूम के वो रिविजिट करने पड़ेंगे लेवल्स, उसके बिना नहीं बात बनेगी। क्योंकि देखिए ये एक व्यू है आपका, फेड अभी इस साल के एंड तक 4.25 से 4.5 की रेंज में आ जाएगा। नाउ दैट देयर देयर, अगले साल वो थोड़ी एक हाइक ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन क्या डेटा आता है। मेरा मानना है कि जैन से इन्फ्लेशन में आपको सिग्निफिकेंट डिप दिखेगा, उसके रीजंस क्या है मैं आपको जैन में, हम इस पे बारे में बात करेंगे, लेकिन माय हंच इज दैट बाय जनवरी एंड आप इन्फ्लेशन में डिप सडनली देखेंगे, सिग्निफिकेंटली डिप देख सकते हैं, ऐसा मेरा हंच है। वी विल टॉक अबाउट इट सम अदर टाइम। तो वहां से फिर वो 7-8 महीने तक वो करीब 4.25 से 4.75 के बीच का वेरियस एनालिस्ट मार्केट में डिफरेंट पोजिशंस दे रहे हैं, वहां पर वो टिकेंगे, and then he will start slowing down. तो मेरे ख्याल से ये बहुत जल्दी है कि हम अभी से ही बॉटम बना के निकल पड़े। आई थिंक वी विल कम बैक टू रिविजिट दोज बॉटम्स, और इस बार अगर वापस आए तो फिर हम शायद वो 3400-3300 को टच करें एक्चुअली, जो कि काफी सिग्निफिकेंट है। 3000 मुझे नहीं लगता अजय जाएगा, बिकॉज टेस्ला के आने से और एप्पल के एक्स्ट्रा वैल्यूएशन लेने से वो करीब 100-200 पॉइंट्स का हमें ऑलरेडी जंप मिल चुका है प्री पेंडेमिक, तो वो 3000 आना बहुत मुश्किल है। ये वे व्यू है क्विक अजय। राइट अनुराग, थैंक्स सो मच फॉर द इनपुट सर, लेकिन वी मस्ट गिव इट टू अनुराग अजय एक बार के लिए। तो अनुराग ने जब लास्ट दिवाली से पहले जब बात हुई थी, ये एक बार एंटिसिपेशन तो दी थी कि यूएस मार्केट से एक रैली दिखा सकते हैं, और हमारे चैनल पे क्लियरली बोला था दैट वी विल डिप्लॉय कैश एंड वी विल बाय। थैंक यू सो मच अनुराग, इंतजार रहेगा आपसे आपकी अगली एस्टिमेशन और अगली फोकस का भी, लेकिन फिलहाल फेड जो मीटिंग है उससे आउटकम डायरेक्शन लेस रह सकता है, कोई बड़ी स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन नहीं मिलेगी, ये अभी अनुराग फिलहाल मानते हैं।
इस वक्त चार बड़े